गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के विद्यार्थियों शुभ प्रभात। कक्षा 10 में हमारी त्रिकोणमिति चल रही थी और प्रश्नावली थी ये 7 और नाम है इसका त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाय। त्रिकोणमितीय सर्व समीकाय, इसमें सभी सूत्र कराते हुए मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 करा दिया था, 2 होमवर्क में दिया था, आपसे यह कहा था कि एक दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात को अंतर परिवर्तन करना सीखो। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 3 से चालू कराता हूं। प्रश्न संख्या 3 और प्रश्नावली 7.1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, जब भी ऐसे लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये गुणा माना जाएगा। बराबर सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है? कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। ये वाला भाग कहलाता है बायां पक्ष और ये कहलाता है दायां पक्ष। तो LHS से त्रिकोणमिति में ध्यान रखेंगे, LHS से RHS को हल करो या RHS से LHS को हल करो, या LHS का हल निकाल लो RHS का हल निकाल लो, दोनों को बराबर सिद्ध कर दो। तीनों विधियों में से कोई सी भी विधि आप काम में ले सकते हैं, नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल एक या एक से अधिक तरीकों से भी हल हो सकता है। मान लीजिए मैंने किसी प्रश्न को साइन कोस में बदल के कराया, हो सकता है वो कहीं आपको टेन या कोट में कन्वर्ट करके मिल जाए। तो एक कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या, कोई भी समसमिका, कोई भी समीकरण, कोई भी हल प्रश्न का कई तरीके से हो सकता है। तो आप एक को देख करके दूसरे को ये नहीं मानेंगे कि ये गलत है, उसको भी समझेंगे, इसको भी समझेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो करेंगे। हमेशा जटिलता से सरलता की ओर बढ़े। तो बड़े पद को ले, LHS लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, यह है आपका कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, ये स्टेप डाउन का निशान है। क्या बचा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए ये कौन सा सूत्र है, याद है या नहीं है? कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक को कोस स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, और यह आया कोट स्क्वायर थीटा। यही हमें सिद्ध करना है और यही हमारा आरएचएस है। सवाल नंबर 4, sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा गुणा हुआ, ये आपको सिद्ध करना है। 1 तो हम लेंगे बायां पक्ष। 10वीं क्लास तक 90% प्रश्न साइन कोस में बदल कर होंगे, तो सबसे पहला प्रयास और अभ्यास आप साइन कोस में बदल के ही करें, आपके अधिकतर सवाल हो जाएंगे। आपका कीजिए sec थीटा को क्या लिखेंगे? 1 upon cos theta, 1 माइनस साइन थीटा, 1 बटा कोस थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा, इंटू 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हल करो, कोस थीटा लघुत्तम
वन प्लस साइन थीटा। अंश और अंश को गुणा करेंगे तो एक सूत्र होता है, आठवीं में पढ़ाया, सॉरी हाँ आठवीं नवीं दोनों क्लास में पढ़ाया आपने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कक्षा नवी में तो 3.5 प्रश्नावली में से पहले 11 सूत्र थे जो मैंने आपको कराए थे, उनमें एक सूत्र ये भी था। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्रम वैसा भी हो सकता है क्योंकि गुणन में संख्याएं क्रम निर्मेय गुणधर्म का पालन करती हैं। आप पहले ये क्रम में लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन पर लगेगा स्क्वायर, बटा कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, दोनों कट गए, क्या आया 1, और यही हमारा आरएचएस। सवाल नंबर 5, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बायां पक्ष लेकर के साइन कोस में बदलो, पहले 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लग उत्तम लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 1 को हम कितनी बार भी 1 से गुणा कर सकते हैं क्योंकि 1 गुणात्मक तत्समक है, तो 1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 गुणा 1, तो 1 के साथ तो दे दो साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 के साथ दे दो आप कोस स्क्वायर थीटा, तो यह आएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा, यही मेरा आरएचएस सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 7, 6, छठा प्रश्न आप बहुत अच्छी तरह देख लीजिए, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है और साइन की जगह पॉइंट शीट चेंज भी की जा सकती है। 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट में है और सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है sec थीटा माइनस tan थीटा, जैसा छठा सवाल है ऐसा ही 23वां भी है। sec थीटा माइनस प्लस सॉरी sec थीटा माइनस tan थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए अंडर रूट में है और अंडर रूट कैसे हटेगा, बाया पक्ष ले, बाया पक्ष सबसे पहले तो बाया पक्ष लिख ले, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब करेंगे हर का परिमेयकरण, सिखाया था ना मैंने आपको हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, हर में जो संख्या है चिन्ह उससे विपरीत चिन्ह से गुणा करो, क्योंकि विपरीत चिन्ह से, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा पर से वर्गमूल हट जाएगा, हमें ये प्लस का निशान खत्म करने के लिए इसको विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे। करने हर का परिमेयकरण करने के लिए अंश व हर को अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा
वन माइनस साइन थीटा। बस ये ध्यान रखना है कि हर से जो विपरीत चिन्ह होता है उससे गुणा करना। बोलिए ए माइनस बी, एक तरह से ये भी ए माइनस बी, तो यह जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और वर्गमूल तो है ही, और नीचे होगा ए प्लस बी ए माइनस बी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र मैंने काम में लिया है, तो एक का स्क्वायर एक होता है इसलिए मैंने इसका स्क्वायर नहीं लिखा है। तो यह तो आया क्या वन माइनस साइन थीटा, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, और यह क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, तो अंडर रूट के कारण जब कोस स्क्वायर थीटा है तो इसमें से क्या बचेगा कोस थीटा, अलग अलग करें वन अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस थीटा दोनों के साथ जाएगा इसके साथ भी इसके साथ भी। ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया टेन थीटा। ध्यान दें कभी भी ए प्लस बी के बटे में सी है तो सी ए के साथ भी जाएगा और बी के साथ भी जाएगा, लेकिन ए बटा बी प्लस सी है तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि a बटे बी प्लस ए बटा सी, ये गलत माना जाएगा। तो अंश में जो चिन्ह होता है उसकी संख्याएं अलग अलग खंडित हो सकती हैं और हर सबके साथ जाएगा, लेकिन हर की संख्याएं खंडित नहीं होंगी। इस तरह से आपको ये संक्रिया विशेष रूप से ध्यान देनी है, हर अलग नहीं होगा, अंश अलग हो सकता। तो ये अपने हुए सवाल नंबर छह पर। क्वेश्चन नंबर सात, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हल करना है और इसका जो हल होगा वो करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। यह आपका आरएचएस, एलएचएस लीजिए और हल करना चालू करो। सेक स्क्वायर थीटा, देखो क्या चाहिए हमें, टेन और कोट चाहिए। आप साइन कोस से भी कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन जबरदस्ती लंबा मेथड करने से कोई फायदा नहीं। सेक का सीधा संबंध टेन से है, कोसेक का सीधा संबंध कोट से है, इसलिए हम टेन और कोट वाला सूत्र भी काम में ले सकते हैं। सेक की जगह बोलो क्या लिखेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक की जगह क्या लिखेंगे, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये तो हुआ इसकी जगह और ये हुआ इसकी जगह, बोलो समझ में आया। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहां आकर के ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए कभी भी ध्यान दें, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल कभी भी ए प्लस बी नहीं होता है, किसका होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हमेशा ए प्लस बी होगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और इसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहूं तो क्या करेंगे, दो ए बी जोड़ दो और दो ए बी घटा दो, कोई भी संख्या जोड़ दे घटाने पर मान नहीं बदलता लेकिन प्रारूप बदल जाएगा। अब ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और अगर मैं इसको यहां साथ ले लूं तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। बार बार कह रहा हूं मैं इन चीजों को ध्यान रखें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा जेड, तो ये ए बटा जेड बी बटा जेड सी बटा जेड और डी बटा जेड होगा। लेकिन यदि ऐसा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी बटा ए, सॉरी ए बटा ये है
तो एक बटा ये, एक बटा ये, एक बटा ये नहीं होगा। ए बटा एक्स, ए बटा वाई, ए बटा जेड, ए बटा टी, ये नहीं होगा, गलत माना जाएगा। हर कभी डिवाइड नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, हर एक साथ रहेगा, अंश अलग अलग हो सकता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको हल? हम इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं WKT, वी नो दैट टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक, राइट। तो इससे हम इस सवाल को हल करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, दो को मैं क्या लिख सकता हूं, दो गुणा एक, दो गुणा टेन थीटा कोट थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या हुआ ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वर्गमूल हट जाएगा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, यही अपना आंसर। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे, कल आप 10 तक के सवाल करके आएंगे, बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छे ढंग से प्रश्नों को करते हुए चले, 10 तक प्रश्नों को हल करके लाएंगे। कल जो भी सवाल नहीं आएगा मेरे से पूछ लेंगे, मैसेज कर देंगे स्कूल के फोन नंबर पर, जिस नंबर से आप ये लिंक देख रहे हैं उसी नंबर पर आप मैसेज कर देंगे, 24 आवर्स के अंदर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। कल आपके 10% तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बी स्टे एट होम एंड हैप्पी।